हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग का पार्ट 32। तो बहुत से लोगों ने बोला था कि सर यूवी पावर ऑन प्रोसेसर थोड़ा सा और यूवी का इनिशियल एक्सेस प्रोसेसर के बारे में एक टॉपिक वीडियो बनाइए। तो ये बहुत ही एक बेसिक है, इसमें क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि पावर ऑन कैसे होता, पावर होने के बाद क्या क्या यूवी क्या काम करती है, इसका इन्फॉर्मेशन किस तरह से मिलता है। तो ये सभी डिटेल्स भी इंटरव्यू में, बहुत प्रोटोकॉल टेस्टिंग के इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि LTE UV पावर ऑन प्रोसेसर के बारे में। तो ये होता है, जैसे क्या होता है कि कुछ स्टेप्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि होता कैसे कैसे है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है। ये जो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, तो आपसे अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो ये सभी टॉपिक्स आप डिटेल में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये होता क्या है, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे आपको फॉलो करने होते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ये एनफ हो जाता है इससे यूवी पावर ऑन प्रोसीजर से। तो ये है, जैसे ही आपका बिलो इज द मैसेज दैट इज एक्सचेंज बिटवीन ईवी ई नोट बी एंड MME, ये जितने एक्सचेंज नीचे लिखे हुए हैं जितने मैसेज हैं ये क्या होते हैं, ईवी मोबाइल ई नोट बी और MME के बीच में ट्रांसमिट होते हैं। तो पहला क्या होता है, ईवी डिवाइसेस पावर ऑन, जैसे ही मोबाइल पावर ऑन होता है पहला, जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं तो क्या करते हैं आप, एक बेसिक आप प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करेंगे, जैसे ही मैं पावर ऑन करेंगे तो क्या करेगा वो, और फ्रिक्वेंसी सर्च करेगा कि कहाँ पर मेरे मोबाइल को लैच होना है, किस फ्रिक्वेंसी से हमको कनेक्ट करना है, उसको मोबाइल को कनेक्ट करना है, या सेल सर्च परफॉर्म बोलते हैं या फ्रिक्वेंसी सर्च बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या होगा, अगर पिछले वीडियोस में आप जाएंगे तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि टाइम एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, TDD और FDD और टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये जितने टॉपिक्स लिखे हुए यहाँ पे, आप PSS है, PSS है, SSS है, PCI है, MIPC, सेल सिलेक्शन, रैच प्रोसीजर, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया पिछले स्लाइड्स में। तो ये जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे ही पावर फ्रिक्वेंसी सर्च हो गई तो उसके बाद के टाइम एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन डन करेगा। उसके बाद इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, PSS एंड SSS विल डिकोडेड एज वेल। अगर टाइम एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन जब होगा उस समय इस प्रोसेस में क्या होगा, PSS और SSS डिकोड होगा। तब क्या होगा, PCI डिटेक्शन, फिजिकल सेल ID डिटेक्शन। उसके बाद जैसे ही आपका PSS एंड SSS डिकोड हो गया उसके बाद क्या होगा, PCI डिटेक्शन होगा, PCI फिजिकल सेल ID डिटेक्शन, मीन्स किस फिजिकल सेल ID से डिटेक्ट होना है। जैसे ही फिजिकल सेल ID डिटेक्शन हो गया तो क्या करेगा, MIB और SIB डिकोडिंग होने लगेगा, और MIB और SIB डिकोडिंग होने के बाद आपका सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉलो करता है। सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में मैंने बताया है, सेल सिलेक्शन और रीसिलेक्शन के बारे में वो ऑलरेडी वीडियो हम लोगों का अवेलेबल है मेरे पिछले वीडियोज़ में। जैसे ही सेल सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है उसके बाद रैच प्रोसीजर होगा। रैच प्रोसीजर आपको कंटेंशन और नॉन कंटेंशन बेस्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है, तो वहाँ पे जाके वहाँ से देख सकते हैं रैच प्रोसीजर हो जाता है। जैसे ही रैच प्रोसीजर में क्या होता है, कौन से मैसेज फ्लो होते हैं, क्या क्या मैसेज 1 में, मैसेज 2 में, मैसेज 3 में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आइस होते हैं, इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स कौन कौन से थे, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी रैच प्रोसीजर में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि LTE UV पावर और UT इनिशियल एक्सेस के बारे में बात करो, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ से शुरू करिए, UV पावर ऑन से लेके आपको रिसीव एंड ट्रांसमिट IP पैकेट्स तक आपको 1x1 स्टेप्स आप यहाँ पर मालूम होना चाहिए, और इसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है आपको किसी भी इंटरव्यू में। उसमें क्या होगा, जो भी टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग है, मान लिया कि LTE पावर ऑन UV पावर ऑन और UV इनिशियल एक्सेस, तो जैसे होता है अगर आपको कोई एक टॉपिक अगर अटैच प्रोसेस में जाते हैं अटैच प्रोसेस, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं अटैच प्रोसेस में। रैच प्रोसेस आपको करना है, शुरू करना है, तो वो भी इसके लिए यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि इंटरव्यूअर क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछने लगता है, PSS क्या है, SSS क्या है, फिजिकल सेल ID क्या होती है, कैसे होता है फिजिकल ID, PCI कैलकुलेशन कैसे होता है, MIPC डिकोडिंग क्या होता है, MIPC क्या होता है, सेल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, सेल सिलेक्शन क्या होता है, रैच कितने टाइप के होते हैं, रैच के प्रोसीजर क्या क्या होते हैं, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन क्या है, अटैच प्रोसेस क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाते हैं। तो आप इंटरव्यूअर को क्या हो सकता है कि इसमें आप अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो भी आते हैं तो इससे आप 100% इसमें क्लियर कर सकते हैं आप यहाँ पर।
अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ईवी इनिशियल एक्सेसिबिलिटी ईवी पावर ऑन के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये क्या होता है ईवीटी ईवी इनिशियल एक्सेस इज द प्रोसेस बिटवीन अ ईवी स्विच ऑन एंड बिफोर सेंडिंग ईवी स्पेसिफिक सिग्नलिंग और डेटा। ये क्या पावर ऑन ईवीटी का ईवी पावर ऑन एक प्रोसेसर है, प्रोसेस है जो मोबाइल ईवी स्विच ऑन एंड बिफोर सेंडिंग ईवी स्पेसिफिक सिग्नल के बीच में ये प्रोसेस होता है, उसको इनिशियल एक्सेस ईवी इनिशियल एक्सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें सेल सर्च एंड सेलेक्शन प्रोसीजर, रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर, देन होता है ईवी स्पेसिफिक डेटा। ये होता है एलटी पावर ऑन ईवी इनिशियल एक्सेस। ओके, ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एलटी पावर ऑन ईवी आपका पावर ऑन होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ हार्डवेयर जो होते हैं इनिशियल पावर अप पैरामीटर्स, इसमें क्या मोबाइल में जैसे क्या होता है कि आपको एक बिल्ट इन मोबाइल कैटेगरी दी रहती है, ईवी कैटेगरी रहता है, उसमें कौन कौन से बैंड सपोर्ट। जैसे ही आप मोबाइल परचेज करने जाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि परचेज जब करने जाते हो तो उसमें मोबाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे ईवी कैटेगरी क्या होती है, मेरा बैंड मोबाइल जो है कौन सी ईवी कैटेगरी को सपोर्ट करेगा, वो मेरा कौन सा फ्रिक्वेंसी बैंड है, क्या क्या बैंड सपोर्ट करेगा वो, और एयर इंटरफेस एल्गोरिथम मीन्स LTE यूज़ करेगा, सपोर्ट करेगा, 3G करेगा, 4G करेगा, 5G सपोर्ट करेगा, ये सभी डिटेल्स आपको ऑलरेडी वहाँ पे बिल्ट इन मिलते हैं। तो ये तो एक हो गया इनिशियल पावर पैरामीटर्स, पावर अप जो होता है उस समय ये पैरामीटर की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप परचेज करते हैं फिर सिम में जाते हैं, सिम में क्या होता है, सिम में भी इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्टर सब्सक्राइब के इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहते हैं, IMSI रहते हैं, PLMN लिस्ट होता है, ये सब आपके सिम में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कन्फिगर्ड किए रहते हैं सिम में। ओके, मोबाइल में आपका जो इन्फॉर्मेशन था यहाँ पर ये कन्फिगर्ड होगा, ईवी कैटेगरी, सपोर्टेड बैंड और एयर इंटरफेस। अगर सिम की बात करें तो सिम में जो कन्फिगर्ड होते हैं IMA, PLMN लिस्ट और सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन। और क्या होता है लास्ट में होता है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है कि लास्ट यूज PLMN ID, लास्ट यूज फ्रिक्वेंसी और लास्ट ट्रैकिंग एरिया और गुट्टी, इसमें ओल्ड गिट्टी और न्यू गिट्टी, इसके बारे में चलिए हम लोग और डिटेल्स में थोड़ा सा बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर बात आते हैं, यहाँ पर आते हैं जब LTE ईवी पावर ऑन, तो उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे मैं जो यहाँ पे जिसने जो मैं बताया यहाँ पे इनिशियल पावर ऑन पैरामीटर्स, उसी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल डिस्कशन यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सेम चीज़ मैंने जो बताया वो सभी डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। सिम में क्या क्या रहता है, जैसे पावर ऑन होता है उसमें कौन सी ईवी कैटेगरी और जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया वो रहता है। उसके बाद सिम के बारे में, सिम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। अब गुट्टी के बारे में, यहाँ पे जो देखा मैंने कि गुट्टी असाइंड होता है, मीन्स लिखा कि गुट्टी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन योर गुट्टी। गुट्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुट्टी का फुल फॉर्म हो जाता है इसमें कि गुट्टी के फुल फॉर्म लिखा है मैंने, नहीं लिखा गुट्टी का फुल फॉर्म मैंने लिखा है या नहीं लिखा, ओके लिखा है यहाँ पे। ओके, तो गुट्टी क्या होता है कि इन LTE द गुट्टी इज़ द ग्लोबली यूनिक टेम्पोररी ID, ग्लोबली यूनिक टेम्पोररी ID। ये LTE में गुट्टी जो होता है टेम्पोररी ID है जो आइडेंटिफाई करता है मोबाइल डिवाइस टू द LTE नेटवर्क को में आइडेंटिफाई करता है। When first accessing the network, जब भी क्या होता है when यू accessing the network, यू will typically report its old गुट्टी to try to maintain the anonymity by sending its IMSI to the network. It may have to send its IMSI at a later stage if it cannot be determined from the old गुट्टी. Old गुट्टी में ये जो यूनिक टेम्प्ररी ID जो होता है इंटरनेट, उसमें पहले क्या करता है मोबाइल जैसे ही ऑन होता है तो पहले क्या करता है वो गुट्टी से पहले ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। अगर नहीं अवेलेबल मिलता है ओल्ड गुट्टी से तब यह क्या कर सेंड एक IMSI सेंड करता है। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे ही मेरा ये कंप्लीट हो जाता है जो इन्फॉर्मेशन, जैसे ही मैंने बताया कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ये मेरा इनिशियल ईवी पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल बिल्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं जो यहाँ पर होता है। ओके,
इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे ही मोबाइल मेरा ऑन होता है, जैसे मेरा मोबाइल स्विच ऑन हुआ, तो उसमें क्या होगा, मोबाइल सेलेक्टेड PLMN दैट इज इट विल रजिस्टर्ड विथ, जिससे वो रजिस्टर आता है उसको PLMN ID वो मोबाइल सेलेक्ट करता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही सेलेक्ट करता है उसके बाद मोबाइल कैन ऑप्शनली आस्क द यूजर टू सेलेक्ट ए क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसके लिए क्या होता है, मोबाइल कैन आस्क कर से यूज़र टू सेलेक्ट कोई एक क्लोज सब्सक्राइबर ग्रुप, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकता है। तो क्लोज CSG क्या होता है, CSG क्या होता है, कंसेप्ट अप्लाई टू सेल विच ओनली अलाउ ए स्पेसिफिक यू टू एक्सेस द सेल, ये होता है CSG। जैसे ही स्टेप टू ख़त्म होता है स्टेप थ्री में आता है। स्टेप थ्री में होता है कि मोबाइल सेलेक्ट ए सेल दैट बिलोंग्स टू सेलेक्टेड नेटवर्क एंड इफ नेसेसरी टू द सेलेक्टेड CSG। ये सभी इन डूइंग सो इट इज़ कॉल्ड कैंप ऑन द सेल, मीन्स आपको कैंप कर रहा है, सेल पे कैंप कर गए। यहाँ से ये सभी तीनों प्रोसेस होने के बाद में तीनों स्टेप्स, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, देन क्या करता है, जैसे ही मोबाइल मेरा कैंप ऑन हो गया, तब सेल कैंप ऑन हो गया, सेट टू बी कैंप ऑन द सेल, सेल पर जब मेरा कैंप हो गया तब उसके बाद क्या करते हैं, देन द मोबाइल कंटेक्ट्स द करस्पॉन्डिंग बेस स्टेशन यूजिंग द कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर एंड इनिशिएट द RRC कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। या कंटेंशन बेस्ड और नॉन कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि RRC, उसके बारे में रैच प्रोसीजर के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में बताया है। तो सेम वही डिस्कशन यहाँ पे कर देना है कि रैच प्रोसेस में होता क्या है। तो सेम चीज़ हम लोग अगर उसको बारे में जाएंगे तो यहाँ पे फुली और थोड़ा सा डिस्कशन उसको इंक्रीज करते उसमें कुछ और बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिख दिया है। अगर जैसे ही इनिशिएट द RRC कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर, तो क्या होता है, ड्यूरिंग द RRC प्रोसीजर द मोबाइल एस्टैब्लिश द सिग्नलिंग कनेक्शन विद द सेलेक्टेड बेस स्टेशन, कॉन्फिगर सिग्नलिंग रेडियो बैरियर और मूव फ्रॉम RRC आइडल इनटू RRC कनेक्टेड मोड में। इट ऑल्सो एक्वायर ए सेट ऑफ पैरामीटर थ्रू विच इट कम्युनिकेट विद द बेस स्टेशन, सच इज ए सेट ऑफ रिसोर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अपलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन ऑन द फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल। लास्ट में फाइनल स्टेप्स क्या हो जाता है, इन द फाइनल स्टेप्स में द मोबाइल यूजेज द अटैच प्रोसेस, द मोबाइल क्या होता है, यूज द अटैच प्रोसीजर टू कनेक्ट द इन्वॉल्व पैकेट कोर। लास्ट में वो क्या करता है, अटैच प्रोसेस कंप्लीट करता है, अटैच प्रोसीजर होता है। तो अटैच प्रोसेस के बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप वहाँ पे कहीं पे दूसरे यूट्यूब चैनल से आप वहाँ पे अटैच प्रोसेस के बारे में देख सकते हैं, नहीं तो मैं अभी उसको अटैच प्रोसेस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसमें फाइनल स्टेप क्या होता है, अटैच प्रोसीजर होता है। अटैच प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपका मोबाइल क्या होता है, नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसीजर द मोबाइल रजिस्टर्ड इस लोकेशन विद मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, मूव टू द स्टेट EMM रजिस्टर्ड एंड ECM कनेक्टेड। इट ऑल्सो कन्फिगर सिग्नलिंग रेडियो बैरियर टू एक्वायर एन IP एड्रेस एंड एस्टैब्लिश अ डिफॉल्ट बैरियर थ्रू विच इट कम्युनिकेट विद द ओल्ड आउटसाइड वर्ल्ड। ये क्या होता है, अब आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं जैसा ही अटैच प्रोसेस होता है, तो सेट रेडियो बैरियर सेट हो जाने के बाद द मोबाइल इज नाउ स्टेट्स EMM रजिस्टर्ड ECM कनेक्टेड RRC कनेक्शन स्टेट एंड विल स्टे इन दोज स्टेट्स फॉर एज ए लॉन्ग एंड इट्स एक्सचेंज डेटा विद इन द नेटवर्क। अब डेटा आपका एक्सचेंज होने लगता है। इफ़ द यूजर डज नथिंग द नेटवर्क कैन ट्रांसफर द मोबाइल इन टू CM आइडल मोड में चला जाएगा और यूजिंग द S1 रिलीज प्रोसीजर। ये हम लोगों का फाइनल स्टेप्स हो जाता है। तो ये जो होता है मेरा पावर UVLT, जैसे ही पावर मोबाइल मेरा ऑन होता है या इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर होता है, तो ये सभी स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे जाके आपका EV आपका पावर ऑफ होने के बाद होने में आपको कॉल से अटैच हो जाता है, नेटवर्क से अटैच हो जाता है और आपको डेटा एक्सचेंज शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को वन बाई वन डिफरेंट टॉपिक्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अटैच प्रोसेस के बारे में है, रैच प्रोसेस के बारे में है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने से पहले क्या होगा कि आपको ये सभी रैच प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, अटैच प्रोसीजर मालूम होना चाहिए, गुट्टी क्या है इसके बारे में मालूम होना चाहिए, CSG ग्रुप क्या है वो सभी मालूम होना चाहिए। अगर ये सभी आपको मालूम है तो इसको समझने में आपको बहुत सारी आसानी होगी, आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। IMSI क्या है, इसमें क्या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन एलिमेंट्स रहते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है,
या जैसे ही मोबाइल हम लोग ऑन करते हैं तो इसमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलता है, कॉन्फ़िगर स्टेटस किसमें सिम में क्या रहते हैं, मोबाइल में कौन सी कैटेगरी और क्या क्या बिल्ट इन रहता है, तो वो सभी डिटेल्स हमको पहले इसके बारे में जानकारी होनी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, तब हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का यूवी इनिशियल एक्सेस प्रोसीजर, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस किया। और इसके अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन बाय वन आपको इस टॉपिक्स को जाना पड़ेगा, आपको एक एक पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे UELT, UE पावर ऑन और UE इनिशियल एक्सेस से कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो अपने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उसके विषय में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसमें वीडियो बनाएंगे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। पार्ट 33 लेके आएंगे, उसमें हम लोग उस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए भाई लोग।